मुझे भी नहीं पता मैं ये क्यों कर रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू रिव्यू केंद्रा। आज रिव्यू करेंगे ग्रेट इंडियन फैमिली का। मेरा शो सुबह 9:30 बजे का था पर चालू हुआ 10:15 पर। वजह पूछोगे क्यों? क्योंकि यार लोग ही नहीं थे। जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं आपको, केवल और केवल 3 लोग थे हम, और इसी वजह से थिएटर वालों ने मूवी स्टार्ट नहीं की। जैसे तैसे करके 10:15 तक 7 लोग हुए टोटल, और तब जाके हमने जिद्दो बहस करी, तब जाके वो शो चालू हुआ। तो मेरा आधा मूड तो वहीं पे खराब हो। खैर जैसे तैसे शो चालू हुआ और अब मैं जाता हूँ सीधा पॉइंट पर। पूरी स्टोरी एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर जो भी लड़का होता है वो आगे जाकर पंडित ही बनता है। और विक्की कौशल के कैरेक्टर का नाम है भजन कुमार, क्योंकि वो बचपन से ही भजन बहुत ही अच्छे गाता है। कहानी आगे आगे बढ़ती है और ये ट्रोमा बर्दाश्त से बाहर होता रहता है। मैं पहले ही कह देता हूँ आपको, ये मूवी बिल्कुल भी थिएटर में देखने वाली बिल्कुल भी ये नहीं है। मैं तो OTT पे भी इसे देखना प्रिफर नहीं करूँगा। मुझे यार मेरा रिफंड वापस चाहिए। स्टोरी आगे बढ़ती रहती है एकदम घटिया स्क्रीन प्ले के साथ, और बीच बीच में कुछ हमें हल्के पुल्के कॉमेडी साइड भी देखने को मिलती है। बवाल तब हो जाता है जब उसके घर पे एक लेटर आता है और उसमें पता चलता है कि भजन कुमार जो है वो असली में एक मुस्लिम है, और वही से पूरा हिंदू मुस्लिम वाला एंगल शुरू होता है। वैसे कोई कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह करने की कोशिश तो इसमें नहीं करी गई है, एकदम लाइटली वो रखा है बिल्कुल। पर मतलब ये मूवीज से भाई बात ये कि 1900s के अंदर जो मूवीज रहती थी बॉलीवुड की, उस टाइप की इसमें वाइब आ रही है। फर्स्ट हाफ तो फिर भी झेल लेते हैं, पर सेकंड हाफ तो यार सबसे घटिया हाफ मैंने आज तक ऐसा जिंदगी में इतना घटिया हाफ सेकंड हाफ किसी मूवी का नहीं देखा। अगर YRF से आप स्पाई यूनिवर्स को निकाल दो तो फिर YRF नहीं रहता। वैसे इसके डायरेक्टर से उम्मीद भी क्या की जा सकती है, पहले धूम फ्रेंचाइजी की ऐसी तैसी करी, उसके बाद ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बनाई और फिर ये। वैसे कई लोग ये भी सोच रहे थे कि Tiger 3 जो YRF की अगली मूवी होने वाली है स्पाई यूनिवर्स की, उसका ट्रेलर इसके साथ या टीजर जो है वो इसके साथ अटैच किया जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछले वीडियो में, और मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि इसका टीजर कब और किसके साथ आएगा, तो आप जो वीडियो है उसको आप पिन कमेंट में ढूंढ पाएंगे। बात करें अगर ग्रेट इंडियन फैमिली की, तो स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, एक्टिंग वगैरह सब कुछ गुड गोबर इन्होंने कर दिया। इस फिल्म को मैं देना चाहूंगा केवल और केवल 1 स्टार, वो भी उस वाले सीन के लिए। कौन से सीन के लिए मैं बताता हूँ आपको, कुंडली फाइट का एक सीक्वेंस है इसके अंदर, वो सीक्वेंस मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। जिन लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है वो इसे काफ़ी एंटरटेनिंग महसूस करेंगे। इस चीज़ के अलावा इस फिल्म में कुछ भी देखने लायक नहीं है। इसके अलावा प्रीतम का म्यूजिक भी काफ़ी ठीक लगा मुझे, जो इसका एक गाना था कन्हैया ट्विटर पे आ जाओ, वो ट्विटर पे खूब ज़्यादा ही प्रमोट किया, ज़रों से ज़्यादा ही प्रमोट किया है YRF ने, वो ठीक ठाक लगा मुझे। और बाकी तो मूवी कचरा ही है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो टेस्ट चेंज कीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।